एक हिरनी की पांच बातें ध्यान में रखें, जीवन में दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी, उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई। उसे वह जगह सुरक्षित लगी। कुछ समय बाद उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपने बाईं ओर देखा तो वहाँ एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बहुत डर गया और हिरनी सोचने लगी कि अब वह क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बिजली कड़कने से शिकारी की आंखें अंधा हो गया और तीर दूसरी ओर चला गया और जाकर भूखे शेर को लग गया, जिससे शेर की वहीं पर मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई और इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, ऐसी समस्याएं कभी कभी हमारे सामने भी आ जाती है, तब हमें कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा।